गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और आज का ब्लॉग मैं फिर से मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं लेकर आई हूँ अपने लिए चाय, तो चाय पी लूँगी, उसके बाद बाकी का जो काम है उसमें लगूँगी। और ये बस इसलिए क्योंकि आज है सैटरडे, आज बाबू का स्कूल ऑफ है, तो आज आराम से मैं चाय पी रही हूँ, वरना हर रोज़ मैं भागते भागते पीती हूँ। ये काम करूँगी, एक घूंट पीऊँगी, एक दूसरा काम करूँगी, एक घूंट पीऊँगी, ऐसे में चाय भी शरबत हो जाता है। और ये बात भी है, मुझे ठंडा चाय पीने की आदत भी है, तो बस आज गरम गरम चाय पीऊँगी। और उसके बाद अभी बाबू सोया हुआ है, तो चाय पीने से पहले मुझे दवा खाना पड़ता है, तो मैं दवा खा लेती हूँ। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट किया करिए, लाइक किया या मत करिए, क्योंकि कमेंट से एक चीज़ हो जाता है कि मुझे पता चल जाता है कि अगले को क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कमेंट किया करिए ज़रूर आप लोग। तो चलिए, चाय मैंने ला के रखा हुआ है, और ये देखिए, ये मैं लेती हूँ दवा, थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट। और ये पहले मैं लेती थी 100 MCG का लेती थी, पर अब मैं 50 का लेती हूँ, क्योंकि ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो बस ये मेरे दवा अपना मैं ले रही थी, और आज चार ले रही हूँ, वरना हर रोज एक लेती थी। तो बस ला दिए। आज स्कूल नहीं है? है
बहुत हो गई ना म्यूजिक, अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी, और नाश्ते में मैं बनाने वाली थी पोहा। तो सर्दियों में इस बार मैं फर्स्ट टाइम शनिवार को पोहा बनाई थी, और ज़्यादा कुछ सब्जी नहीं था पोहा के लिए, जो भी थोड़ा बहुत था वो सब मैंने काट लिया है। और सब्जी थोड़ा रहता है पोहा में, मटर वगैरह रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन मटर तो अभी नहीं था, जो था वही मैंने काट वट के रेडी कर लिया था। और यहाँ पे मैं चूड़ा को फटक रही थी, तो ये जो चूड़ा है ये जैसे दुकान से चूड़ा लेते हैं ना, जनरल स्टोर से, वो वाला चूड़ा। तो इसमें थोड़ा क्या होता है कि भूसा जैसा रहता है, धूल जैसा रहता है, धूल जैसा जो चूड़ा होता है, धूल मतलब धूल नहीं होता, मिट्टी नहीं होता है, चूड़े का ही जो होता है पाउडर टाइप का रहता है, तो वो सब फटक लेने से निकल जाता है। वैसे बिग बाजार से लिया जाए जो पोहा का पैकेट आता है उसमें तो नहीं होता होगा, लेकिन ये जो दुकान से हम लेते हैं ना ढेर सारा, जो थोक में बोरी के बोरी रखे रहते हैं, वो उसमें रहता है ये सब, लेकिन पैकेट वाला जो आता है पोहा उसमें नहीं रहता है इस तरीके से धूल जैसा। तो बस उसको फटक लेने से थोड़ा साफ हो जाता है, तो फटक के मैंने धो के रख दिया है। और यहाँ पे मैं बाबू के पीछे ब्रश लेकर पड़ी हुई हूँ, क्योंकि शनिवार है, फिर भी ये बच्चों का क्या है, ये लोग सोच, ये मेरा बेटा जो है ये सोचता है कि छुट्टी का दिन है तो आज सब कुछ मतलब जब मन करेगा तभी करेंगे, पर मैं सोचती हूँ कि कम से कम ब्रश कर लो टाइम से और नाश्ता कर लो, उसके बाद खेलते रहो। लेकिन ये 10 बजे ही नाश्ता करता है, 2 दिन तो पक्का करता है। बस जितने दिन इसको स्कूल जाना होता है ना टाइम पे, मैं इसको करा देती हूँ, बाकी 2 दिन ये पूरा मस्ती करता है। 10 बजे नाश्ता करेगा, 10 साढ़े 10 भी हो जाता है, अगर मैं ना कराऊँ तो वो भी उसका चलते रहेगा, ऐसे ही खेलते रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं इसका ब्रश जो है रख दूंगी, उसके बाद जाऊँगी पोहा बनाने। और सर्दियों में जो है चूड़ा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे घर। ये देखिए चूड़ा को जो मैंने धो के रखा था एकदम ड्राई हो गया है, तो थोड़ी देर पहले धो के रख देने से यही होता है कि सारा जो पानी होता है चूड़ा सोख लेता है और एकदम खिला खिला सा हो जाता है। तो बनाने जा रही हूँ, पहले मैं मूंगफली फ्राई करूँगी, और सब्जी में जो जो सब्जी थी मैंने ले ली है, देखिए गोभी है, प्याज है, करी पत्ता है, टमाटर है और मिर्ची है, बस यही लूंगी मैं, और उसके बाद मूंगफली डाल दूंगी। तो चलते हैं बनाने। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों तेल डाला है, सरसों तेल डाल के मूंगफली को भून लूँगी। मूंगफली भी मैंने डाल दिया है, और मूंगफली निकाल लेने के बाद फिर से मैं इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल के थोड़ा सा साबुत सरसों डालूँगी, और उसके बाद मिर्ची, कड़ी पत्ता और ये सब डाल के फिर सब्जियों को फ्राई कर लूँगी। और मसाले में सिर्फ मैं डालूँगी यहाँ पे हल्दी। तो बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ पोहा, और अच्छा लगता है मेरे घर में ये, तो इसके दादा भी खा लेते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो वो नहीं खाते, मुझे उनके लिए रोटी अलग से बनाना पड़ता है, बाकी पोहा उनको पसंद आता है, पोहा खा लेते हैं। तो सर्दियों में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है नाश्ते का मेरे घर में, तो मतलब सर्दियों में चूड़ा भी लोग कभी कभार सुबह में, चूड़ा दूध भी, सब लोग नहीं, जैसे किसी दिन कोई 1% चूड़ा दूध भी जिसको मतलब मन हुआ तो खा लेते हैं लोग, चूड़ा दूध, चूड़ा दही, कभी कभार चूड़ा भून के शाम में ये भी नाश्ते में बन जाता है। और सुबह में तो चूड़ा भून के कोई नहीं खाता है, पोहा भल्की खा लेंगे लोग, चूड़ा दूध खा लेंगे, पर ऐसे नहीं खाते हैं लोग, भुना हुआ शाम में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सर्दियों में बहुत सारा ऑप्शन मिलता है नाश्ते के लिए, और हम लोग का थोड़ा सा वो फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा कम, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा, मालूम ना क्यों मुझे भी ऐसा लगता है कि रोटी सब्जी में मुझे लगता है ना सब लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन अगर बनाने बैठो तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग जाता है और रोटी सब्जी जल्दी बन जाता है, पर हमारा जो है ना दिमाग इस तरीके से सोचता है कि नहीं, इस पे हमें कम मेहनत करना पड़ेगा, कम टाइम देना पड़ेगा किचन में, और हम सोचते हैं कि ये झटपट हो जाएगा और रोटी सब्जी में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि रोटी सब्जी भी बनाना आसान ही होता है, इन सब के बराबर ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी, हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, हल्दी को पका लिया है, उसके बाद मैंने चूड़ा नमक डाल के और इसको चला दिया है, बस अब देखिए रेडी हो गया है। अब इसमें मटर की कमी है, अगर मटर हो जाए तो अच्छा लगता है, वैसे टेस्ट अच्छा था इसका। तो बस यही था मेरा नाश्ता, और दोपहर में खिचड़ी बनाना था, तो खिचड़ी वाली वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अपलोड करूँगी, अगले व्लॉग में इसमें करूँगी, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अविनाश के लिए और पापा जी के लिए, बाबू के लिए निकालूंगी, बाबू तो मेरा पक्का नहीं खाएगा, उसके लिए मैंने कुछ और इंतज़ाम कर रखा है, तो उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, मेरे साथ ऐसे ही होता है।
जब भी मैं नाश्ता बनाऊंगी कुछ ऐसा चीज़ बना दूंगी तो ससुर जी के लिए अलग से बनाना पड़ता है, और अगर ये सभी लोगों के लिए ऐसा बनाऊंगी तो बाबू के लिए अलग से, तो दो दो बनाना पड़ता है हर रोज़ मुझे। और बस ये है, देखिए पालक और सोया, तो यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी मैं कर रही हूँ। और अब ये वाला जो वीडियो है ना, अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो छोटा सा ब्लॉग था मेरा सैटरडे का, और ये लेट हो गया, इसको मैं संडे को ही अपलोड कर देती, पर लेट इसलिए होगा क्योंकि मैं संडे को मार्केट चली गई थी, सो लेट अपलोड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और लास्ट बोल रही हूँ पूरा देखिएगा। चलिए तो फिर ठीक है, आप सभी को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा कुछ, अगर है वो आप सब को अगर मुझे कोई एडवाइस देना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मैं क्या कैसे बनाऊँ, कैसी वीडियो बनाऊँ, आप लोग बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा क्योंकि आप ही लोग देखते हो ना, तो आप लोग क्या पसंद करते हो आप लोग बताना, फिर मैं वैसे कोशिश करूँगी बनाने का। तो ये है सोआ, ये साग में भी पड़ता है और सब्जी में भी पड़ता है। और जो मैंने पीठा की रेसिपी शेयर की थी ना, उसके जो उसमें जो मैंने स्टफिंग बनाई थी उसमें यही चीज़ पड़ता है, और कसम से चोखे का ना स्वाद बना देता है ये। तो यही मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ बस। तो वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आया हो तो, और खिचड़ी की रेसिपी तो मैंने बहुत बार शेयर की है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में खिचड़ी की रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, हाँ बैगन का चोखा का शेयर करूंगी। अगर किसी को नहीं मालूम होगा ना तो देख लीजिएगा मैं कैसे बनाती हूँ।